हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोटे बच्चों को हम ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली नहीं खिला सकते हैं, इसलिए हम उन्हें पाउडर्ड फॉर्म में खिलाएंगे। आप ड्राई फ्रूट बच्चों को 6 मंथ से ही देना शुरू कर सकते हो। सर्दियों में बच्चों को ड्राई फ्रूट ज़रूर खिलाने चाहिए, इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ ही इससे बच्चों का वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है, इससे बच्चों के शरीर में अंदर से गर्माहट बनी रहेगी, जिससे वो बीमार भी कम पड़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मखाना, काजू, बादाम, अखरोट और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून घी ले लेंगे। सर्दियों में बच्चों के लिए घी भी बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चों के शरीर में गर्माहट बनी रहती है। 1/2 टेबल स्पून घी आप आराम से 6 मंथ के बच्चे के लिए भी ऐड कर सकते हो। घी से भी बच्चों का वज़न बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बादाम को डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए, बादाम को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही बादाम का कलर थोड़ा बदलने लगेगा, हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भुनना है, क्योंकि ये तुरंत जलने लगते हैं और अगर ये थोड़ी भी जल जाएंगे तो इसके टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। उसके बाद हम लो फ्लेम पे ही काजू को डालेंगे। काजू जैसे ही आपको थोड़ा लाल दिखने लगे, तुरंत उसे निकाल लें। ड्राई फ्रूट्स बच्चों को ज़रूर खिलाएं, इसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इससे बच्चों का फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ भी अच्छा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों की हेल्दी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम अखरोट को भी फ्राई कर लेंगे। अच्छे से आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को बस 2 मिनट के लिए ही भुनना है, उससे ज़्यादा ना भुने। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है, इसलिए मखाना आप ड्राई फ्रूट पाउडर में ज़रूर ऐड करें और इससे बच्चों की वज़न भी बढ़ती है। मखाना भी आपको जैसे हल्का रेड दिखने लगे, उसे तुरंत बाहर कर लें। उसके बाद कोकोनट पाउडर ऐड कर लें, इसे भी थोड़ा सा रेड करना है। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये भी अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है। आप भी इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लें और उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद हम इसे मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आपको ब्लेंड कर लेना है। ये हमारा पाउडर तैयार हो गया है और इसे हमें बच्चे को रोज़ाना खिलाना है सर्दियों में। और अगर आप बात करें कि गर्मी के मौसम में बच्चे को देना है या नहीं देना है, तो गर्मियों अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वीक में आप बच्चे को 1 से 2 दिन ही खिलाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है। और ड्राई फ्रूट सर्दियों में आप बच्चे को रोज़ाना दे सकते हो। अगर बच्चा 6 महीने का है तो उसे आप 1/2 टेबल स्पून दें, और अगर बच्चा 6 महीने 1 साल का है तो आप उसे 1 टेबल स्पून रोज़ाना ड्राई फ्रूट दे सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और अच्छे अच्छे बेबी रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।